What's up guys, this is Hina Raheja, welcome back to my channel. आज के इस एपिसोड में मैं तुम लोगों को लेकर चल रही हूँ जलौरी पास, जो कि है जिबी से 12 किलोमीटर ऊपर. एंड एक्सक्यूज मी ऑलरेडी फॉर माई बैड वॉइस, कल से मेरी आवाज की बैंड बजी पड़ी है. बट जस्ट लुक एट द व्यू, वो हमारी गाड़ियाँ रेडी हैं जलौरी पास जाने के लिए और अभी साथ साथ चलते हैं. एंड मैं तुम्हें स्टोरीज बताती रहूंगी कि इसकी क्या कहानी है इस ट्रैक की. और ऊपर जाएंगे हम लोग सिरौलसर लेक पे एंड बूढ़ी नागिन के मंदिर पे, तो उसकी स्टोरी मैं तुम्हें अभी बताऊंगी. तो यार लेट्स गो. बहुत ज्यादा स्नो गिरती थी हमारे इधर, तो 6-6 महीने रोड बंद रहता था. जलोड़ी में हाईएस्ट 20-25 फुट बर्फ होता. अच्छा. तो लोग जैसे इधर से ट्रेवल करते ना ऑन फुट पैदल, तो शाम के टाइम लोग कहते थे भाई आप लोग जलोड़ी क्रॉस नहीं कर पाओगे तो इधर ही सो जाओ. नाम ही गांव का सो जा पड़ गया. और उस साइड जलोड़ी के नीचे साइड पड़ता है 5 किलोमीटर आगे खनाक पड़ता है एक एरिया. तो बहुत सुबह जैसे लोग वहां से, उनका डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस सब कुछ काम कुल्लू में पड़ता, तो लोग इधर आते भाई खाना खा के जाओ. नाम ही खाना खा के जाओ. We have reached जलौरी पास एंड तुम थोड़े से नजारे देख सकते हो. यहाँ पे इतना लेट डाउन सा ये स्पॉट है ना, लेकिन समावाज भीड़ थोड़ी सी ज्यादा है, काफी गाड़ियां आई हुई हैं. पहले हम उस मंदिर पर जाएंगे एंड देन वहां से ट्रैक शुरू करेंगे. आई विश मैं तुम्हें यहाँ के नज़ारे दिखा पाती इस कैमरा में, बट थोड़े से तो मुश्किल है. यह है महाकाली मंदिर जलौरी पास पर एंड यहाँ से जलौरी पास का ट्रैक स्टार्ट होता है. अभी यहाँ चलेंगे लेकिन पहले मत्था टेक कर आएंगे मंदिर में. देखते हो अब आप मेरे यूट्यूब में आओगे, मैंने आपकी वीडियो बना ली. ये सारी आंटीज मिली मुझे यहाँ जलौरी मंदिर पे. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. थैंक यू. चलो बाय आंटी. बाय. हम जाएंगे अभी बूढ़ी नागिन के मंदिर तक, जो कि है इस ट्रैक के एंड पे सिरौलसर लेक पे. हेलो भैया जी. So, 2016 में मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला ट्रैक किया था एंड इट वाज इन अगस्त. मॉनसून था उस टाइम पे और क्रेजी क्रेजी मौसम था. इट वाज ऑल मिस्टी. आई एम जस्ट कंपेयरिंग जलौरी पास का ट्रैक फ्रॉम द प्रीवियस टाइम्स आई हैव डन दिस. अभी काफी कमर्शियलाइज हो चुके हैं ये. लाइक टिल दिस पॉइंट देर आर कार्स एंड ए पेड पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ है. नीचे देर इज अ कैंप साइट. या आई कैन सी फ्यू कार्स बट टिल लास्ट ईयर इट वॉज नॉट देयर. तो एक तरीके से मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि दिस ट्रैक इज लाइक वेरी व्हाट डू यू से पीसफुल प्योर एंड यू नो नॉट सो फेमस. बट अभी ये काफ़ी फेमस होता जा रहा है एंड कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों की वजह से कि सोशल मीडिया पर डाल देते हैं एंड यू नो पीपल रियली विश टू कम टू दिस प्लेस. बट एट द सेम टाइम कम, बहुत अच्छी बात है आप आओ, लेकिन इस जगह की प्योरिटी और पायसनेस को बस प्रोटेक्ट करके रखो. दैट्स ऑल आई हैव टू से. ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिखाया मुझे यहाँ पे, हाउ टू मेक एन ईको ब्रिक. इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया है यहाँ पे और ये वाटर बॉटल्स का यूज किया हुआ है. एंड हिमालयन नेचर कैंप जलौरी पास. सो ये गवर्नमेंट के कैंप्स है यहाँ पर नीचे जो मैंने आपको शो किए हैं. 2016 में आई स्टेड इन वन ऑफ दोज कैंप्स ओनली, सो आई नो लाइक द फील ऑफ लिविंग देयर इज क्रेजी, बियॉन्ड क्रेजी, ट्रस्ट मी. एंड ये फोन नंबर एंड ऑल जस्ट इन केस यू गाइस नीड. रास्ते में देखो तुम्हें ऐसे ऐसे मशरूम्स मिलेंगे. ओके मैंने एक तोड़ दिया, ये एडिबल नहीं होगा, होगा आई डोंट नो. बट मुझे बड़ी फैसिनेशन सी होती है ऐसी ऐसी चीजें देख के. जब से मुझे पता चला था ना कि ये जवानी है दीवानी मूवी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर शूट हुआ है, तब से आई वॉज इवन मोर एक्साइटेड टू कम टू दिस प्लेस. सो गाइज लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जब भी पहाड़ों में आओ ना, लुक फॉर दीज काइंड ऑफ प्लांट्स. सो इफ यू सी एक सांप के जैसे इसका मुंह पर है ना, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्नेक प्लांट. ऐसे नीचे से एक छोटा सा प्लांट निकलता है सांप की तरह, कवर्ड बाय द लीव्स.
सो देयर आर फ्यू मोर एंड थोड़ा क्लोजअप लुक में तो मैं दिखाती हूँ, ऑल्दो दिस वन इज स्पॉइल्ड, बट ये देखो नीचे की साइड से ऊपर आ रहे हैं. आप लोग गए नहीं? चले हुए हैं आपके साथ हम भी. अच्छा, मेरे को लगा आप घर चले गए. जहाँ आप जा रहे हो वहीं जा रहे हम भी. सिरोल सर? हाँ जी, सही. आंटी एक फोटो आप मेरे साथ खिंचाओ मस्त. आंटी जो याद है तुम्हें बाहर मंदिर में मिले थे? हाँ, सारे आ गए यहाँ पे हमारे पीछे पीछे, बताओ. अपने आप आए मिलने मेरे से, है ना? हीना के साथ फोटोग्राफी करानी थी. अभी हम सारे ऊपर मंदिर तक साथ में जाएंगे. बैठा नीचे बुढ़े बुढ़ी को देखना कितने जवान है. हमारे साथ जो ग्रुप आया ना बाद निकले थे और अब हमसे पहले पहुंच गए. देख रहे हो तुम? और ये कोई शू वू पहन के ट्रैक नहीं कर रहे, ये देखो बेलियां पहन के ट्रैक कर रहे हैं. पहाड़ी होने का फायदा पॉइंट है ना. ये देखो और आगे बड़ी सुंदर सुंदर आंटियां, तुम्हें मैं दिखाती हूँ. आजो आंटी आ गए. आजो आजो बैठो 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 सारे. हेलो मैं बैठ गए. सारे आगे चलो जी चलो जी. हम ऑड वन आउट है तो बैठो. आप कितने सारे हो आप? मैं 15 गिनती करके आई हूँ. कर रही हूँ. ये वाला हाथ उल्टा हाथ ऐसे लंबा, ऐसे ऊपर की साइड लंबा, और ये सीधा हाथ है ना, ये ऐसे हाथ की साइड ऐसे. चलो 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 आप आगे कैमरा में. हम ट्रैक के कैसे बीच के सेंटर पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर आई फाउंड दिस ह्यूज एस स्टोन मेरे पीछे एकदम. एंड ये लोकेशन मुझे पर्सनली बड़ी सही सी लग रही है, सो आई जस्ट फील लाइक यू नो सिटिंग हियर. आई सी दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट पैच जहां पर मैंने इतना कचरा देखा, बट जिसने भी किया दे शुड बी वेरी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स. डोंट डू इट. यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि ये पोनीज ऊपर तक आने लग गई हैं सवारियों के साथ. इनसे जरा बात करते हैं भैया से. ओके भैया चले गए. क्या बात करें हम. अभी हम मिडवे में हैं एग्जैक्टली, और 2.5 किलोमीटर का हो चुका है. एंड सेंटर में ही आप लोगों को ये शॉप्स मिल जाएंगी फॉर मैगी एंड ऑल. ठीक है. और वो अंकल देखो कितने क्यूट लग रहे हैं. पोनीज हैं यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया. जो भी कचरा इकट्ठा करो इसमें डाल देना यार. देखो अभी मैं तुम लोगों को मिलाती हूँ लाली और गुड्डू से. चलो जी. अब लाली गुड्डू कौन है रुको दिखाती हूँ. ये आगे लाली मस्त एकदम. देख लो लाली कितनी क्यूट है यहाँ पे. और ये लाली के भैया. लाली के भैया आपका क्या नाम है? अशोक भैया. तो लाली के ऊपर आप ऊपर सवारी कर सकते हैं. भैया क्या चार्जेस लेते हो? 1000 रुपए बंदे. रमेश भैया और वो गुड्डू. सो कुछ जगहें बताए, दे आर नॉट जस्ट द प्लेसेस बट दे आर द इमोशंस. सो फॉर मी जलोरी पास एंड दिस ट्रैक सिरोल सर लेक एवरीथिंग, इट्स एन इमोशन. इट्स लाइक आई कांट टेल यू हाउ अलाइव आई फील ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस. आई डोंट नो व्हाई इट हैज सम मैजिक ऑन मी. आई लिटरली डोंट नो व्हाट एंड व्हाई एंड हाउ, बट इट्स बीन इयर्स एंड I cannot get over this place. I can't tell you. And I really hope tumhe thodi si main feel aur vibe transfer kar pa rahi hu, but if not to tum log khud aao is jagah pe aur feel karo. Filhal ke liye look at these two cuties. Main yahan baith chuki hu yaar. Alag alag maze aa rahe hain ekdam alag. मुझे भी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए चलते चलते. एंड मैंने बीच में बहुत ही छोटे छोटे से स्टॉप्स लिए हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए. एंड कुछ खाया नहीं अभी तक. आगे एंड में जाके आई हैव समथिंग. एंड ऑल्सो अभी तक 6000 स्टेप हो चुके हैं. एंड मॉडरेट लेवल का ट्रैक है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो ज़्यादा थकान नहीं होगी. सो डोंट वरी. द अमाउंट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस ट्रैक आई हैव ऑलरेडी सीन टूडे. इट्स एक्चुअली बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. बट आई एम वरीड कि अगले आने वाले कुछ सालों में क्या ही हो जाएगा. आई मीन इट्स फाइन, यहाँ के लोगों का ये लाइवलीहुड है. ओनली थिंग इज कि गंदा कर देंगे लोग. एंड आई जस्ट कांट इमेजिन दिस प्लेस बिकमिंग द नेक्स्ट त्रिवंड. नो इट शुड नॉट हैपन. अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर एनी टाइम इन फ्यूचर,
प्लीज 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 टेक केयर ऑफ दिस प्लेस. अपना कचरा अपने साथ वापस लेके जाना और कुछ नहीं. ये देखो भाई, तुम मत खाओ ना अगर तुम्हें अक्ल ही नहीं है कि करना क्या रैपर के साथ. तो अभी हम लास्ट पैच पर पहुंच चुके हैं ट्रैक के एंड द लेक इज वेरी नियर नाउ एंड काफी ज्यादा शॉप्स खुल चुके हैं यहाँ पे. काफी ज्यादा, आई कांट बिलीव दैट. ओह दे हैव सिटू वेज मोमो, नाउ दे हैव पैनकेक, पानीपुरी, चीज, चिली, फ्राइड राइस. ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग एट जलोरी. सो द लेक इज जस्ट 5 मिनट्स अहेड ऑफ दिस पॉइंट एंड आई हैव ऑर्डर्ड सिडू एंड चाय. I'll have it and उसके बाद आगे चलेंगे and चटनी चटनी है ना, चटनी भी दे दो. सिड्डू खाके और मैं तुम्हें टेस्ट बताती हूँ हाथों हाथ. पहले हम ये घी ऐसे इसके ऊपर डालते हैं. सो एक बड़ी ऑथेंटिक हिमाचली डिश है एंड लेट जस्ट हैव इट. वी शुड हैव इट. ये चटनी आ गई है इसके साथ. ओके जी, दिस इज द लेक एंड वी हैव रीच्ड द सिरोलसर लेक. ये सिरोलसर लेक है और वो सामने है बूढ़ी नागिन का मंदिर. सबसे पहले आप लेक देखो, इफ यू कैन सी. यहाँ का पानी इतना ज्यादा क्लीन है और ऐसा कहा जाता है कि जो बूढ़ी नागिन है उसी के अंदर ही रहती है. और अगर आप देखें एक तिनका तक आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पे. And you can actually see the proper reflection of the trees in the water. यहाँ ये aunties पूजा कर रहे हैं. If you can see, तो जो लोग वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं उनकी तक reflection यहाँ नीचे नजर आ रही है पानी में. It's that clear. ये देखो, अगर तुम देख पा रहे हो थोड़ा बहुत तो काफी cool हो चुका है scene यहाँ पे. तुम्हें बता दियो कि यहाँ की स्टोरी क्या है. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शेषनाग, कमरूनाग, माहूनाग, घुंडानाग और ऐसे ऐसे 60 नाग देवताओं की माँ बूढ़ी नागिन सिरोलसर लेक की गहराइयों में बसे एक गोल्डन पैलेस में रहती है. सिरोलसर के ऊपर अगर रेनबो दिखाई दे तो उसे बूढ़ी नागिन माना जाता है. इस झील का पानी हमेशा साफ रहता है और माना जाता है कि एक आभी नाम की चिड़िया इसका ध्यान रखती है. आपको इस लेक में एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा. द्वापर युग में यहाँ पांडवों ने आकर चावल की खेती की थी और इसी वजह से यहाँ आज भी चावल का प्रसाद दिया जाता है. यहाँ पर काफी जियोलॉजिकल रिसर्चेस की गई हैं लेकिन आज तक कोई इस झील की गहराई का पता नहीं लगा पाया. एक कहानी ये भी कहती है कि एक बार एक ब्राह्मण झील में डूब गया और उसको बूढ़ी नागिन ने बचाया और 3 साल तक उसको अपने गोल्डन पैलेस में रखा और उसको इस शर्त पे घर वापस जाने दिया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा कि उसके साथ हुआ क्या. तो जब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और सभी ने उसे पूछा कि क्या हुआ एंड ऑल और उसने फाइनली बता दिया उनको, तो उसकी वहीं पर डेथ हो गई. और उसके बाद से उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जब सिरोलसर जाने की कोशिश करता तो उनका कोई भी मिस्टीरियस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता. और आज भी ये फैमिली शोजा में रहती है जो सिरोलसर से 5 किलोमीटर दूर है. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम मंदिर, वहां पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की एंड अब मैं जा रही हूँ यहाँ से वापस. थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है, टाइम भी ज्यादा हो गया, 3 बज चुके हैं तो थोड़ा टाइम से नीचे पहुंचना है जलोरी पास पे. जलोरी पहुंचने से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले एक पॉइंट आता है विच इज पॉपुलर एज अ 360 डिग्री ट्रैक पॉइंट. एंड वहां से आप फिर एक ट्रैक कर सकते हो जो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का है और आप उसके बाद पहुंचते हो बहुत ही खूबसूरत से 360 डिग्री व्यू पॉइंट पे. एंड वहां से व्यू बहुत ही सुंदर है. मैं अपने ट्रिप पर वहां नहीं जा पाई थी बट या दैट्स अ पॉइंट विच इज रियली पॉपुलर फॉर सनराइज एंड सनसेट. ऑलमोस्ट रीच्ड बैक टू द बेस, like more, one more minute and look at the final glimpse and just look at the color, it's so green, blue, white and you know, barish ruk chuki hai abhi aur kafi sorted scene hai. So yeah guys, that was it for the video. I hope tumhe video pasand aayi hogi and agar pasand aayi to comment karke batana kaisi lagi. Like karna video ko and subscribe to my channel if you haven't already. And jalori pass ke baad अब हम जाएंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह पे, तो वेट करो उसका. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके बाय. मीनवाइल
यहाँ जाम लग चुका है बहुत लंबा चौड़ा सा ऑलरेडी. वाई? बिकॉज आगे जेसीबी की खुदाई चल रही है एंड गाड़ियाँ फंसी हुई हैं. बट यहाँ फ्यू मिनट्स एंड वी विल बी आउट ऑफ योर. हमारी बस हमारे आगे निकल चुकी है. जिंदगी का रिकॉर्ड है कि भागते भागते फ्लाइट है बस ट्रेन सब पकड़ी है. अभी अंकल ना मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ का नाम हिमाचल है. इतनी ज्यादा टेस्टी ग्रीन चटनी है ना, मैं तुम लोगों को बता ही नहीं सकते. जेन्युइन ग्रीन चटनी एकदम.